आप सभी को नमस्कार। मैं प्रीति सिंह, सहायक प्राध्यापक, गणित विभाग, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के चौथे तकनीकी स्तर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे दो वक्ता हैं। पहले वक्ता श्री सुजीत कुमार सिंह जी हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे बहुत बहुत दूसरे वक्ता श्री अनिल कुमार ठाकुर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पहले वक्ता श्री सुजीत सिंह जी का उद्बोधन का विषय रहेगा द्वंद्व योगा मेथड फॉर द स्क्वेयर ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। अब मैं श्रोतागणों को हमारे वक्ता के जीवन परिचय से अवगत करवाना चाहूंगी। सर, यू आर MSc इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, MBA इन सोशियोलॉजी फॉर कानपुर यूनिवर्सिटी, ऑल्सो BEd फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी। यू आर एक्सपर्ट एंड रिसोर्स पर्सन इन वैदिक मैथमेटिक्स एंड कैरियर काउंसलिंग टीम CSJM यूनिवर्सिटी। प्रेजेंटली यू आर वर्किंग एज डायरेक्टर इन मैथमेटिकल स्किल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कानपुर, ऑल्सो रनिंग स्कूल ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स फॉर ट्रेनिंग। सर, यू एक्ट एज एन इन्वाइटेड स्पीकर ऑन प्रसार भारती आकाशवाणी सेंटर लखनऊ UP अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स 3 टाइम्स। ऑल्सो यू अर्लियर वर्कड इन महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, यू हैव पब्लिश्ड इन 2 रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल एंड ऑल्सो प्रेजेंट 2 रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। यू एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन इन एन इंटरनेशनल टॉक ऑन 11 जून 2021। ऑल्सो यू हैव अ 25 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस। सर, यू रिटन अ बुक ऑन वैदिक मैथमेटिक्स एंटाइटल्ड एज वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र एक्सप्लेनेशन एंड अप्लीकेशन। सर, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ UP स्टेट कन्वीनर वैदिक मैथमेटिक्स शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास न्यू डेली। मोर देन 28 टाइम्स यू वर अवॉर्डेड बाय डिफरेंट सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल्सो यू आर ए योगा एंड मेडिटेशन मास्टर इन आचार्य सेवा परिषद UP। यू एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन इन मोर देन 100 नेशनल सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन मैथमेटिक्स एंड वैदिक मैथमेटिक्स कंट्री वाइज। मोर देन 21 सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन मेडिटेशन। यू प्रेजेंट 11 पेपर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेरियस मैथमेटिकल टॉपिक्स। थैंक यू। सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। अभी आप अपने उद्बोधन को आरंभ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सभी को मेरा प्रणाम और सभी आगंतुक जो भी CBUL के रिस्पेक्ट में है यहाँ पर, हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक वैदिक गणित को प्रमोट करने के लिए इतना बड़ा एक प्रयास किया है। और आज के टॉपिक में हमारे को जो लेक्चर्स है वो द्वंद्व योग पर वर्ग निकालने का है, स्क्वायर निकालने की वैल्यू का है द्वंद्व योग के। तो द्वंद्व योग एक बहुत अच्छा, हम लोग के पास वैदिक गणित में एक द्वंद्व योग के रिस्पेक्ट में जो वर्ग निकालने का है वो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोग को उस पर बेस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी बेस हो हम लोग आराम से कर सकते हैं, बेस याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान वे में 5 या 6 डिजिट तक करने के लिए बहुत ही आसान है। इतना आसान कोई और मेथड नहीं हो सकता किसी भी बेस के लिए। तो हम लोग द्वंद्व सर, योग आपकी, है, एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल हो रही है, प्लीज वर्टिकल कर लीजिए। ओके। थैंक यू सर।
हेलो हेलो सर कांट सी यू, वीडियो इज ऑफ। ओके जस्ट आवाज आ रही है मेरी? आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, जी सर। यस सर। तो हम लोग आज बात करेंगे द्वंद्व योग, और द्वंद्व योग एक बहुत ही स्पेशल है अपने आप में, जिसपे बेस वैल्यू को हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेस वैल्यू क्या लिया जाए। द्वंद्व योग के रिस्पेक्ट में हम लोग हर एक डेटा के लिए पार्टीशंस करते हैं। जितने नंबर ऑफ जिस नंबर का हमें स्क्वायर करना है उसमें कितने डिजिट्स हैं, उसके 2 टाइम्स -1 नंबर ऑफ पार्टीशंस या नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म क्लियर कर दिए जाते हैं। तो ये ग्रुप फॉर्म करना हम लोग के लिए, और फिर उसमें पार्टीशंस कर लेना, और हर एक पार्टीशंस में एक सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करते हुए राइट टू लेफ्ट ले आना वैल्यू को। इस तरह से बहुत ही आसान सा है, और हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करते हैं। जिस संख्या का भी हमें द्वंद्व योग के द्वारा वर्ग निकालना है, उस संख्या को हर एक पार्टीशंस के थ्रू हम लोग जाते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। किसी भी नंबर्स के लिए हम लोग पार्टीशंस निकाल देंगे और उसको आसानी से हम लोग प्लेस वैल्यू के साथ रख लेंगे। हर एक द्वंद निकालना सीख लेंगे। तो द्वंद निकालना जो वैदिक गणित के लोग पहले से हैं, जो वैदिक गणित में कुछ काम कर रहे हैं, उनको तो द्वंद निकालना बहुत आसान है, लेकिन जो पहली बार वैदिक गणित के लिए आया हुआ है उसको हम ऐसा सिखा देना चाहते हैं कि वो उसको कभी भूले ना। तो द्वंद किसी एक सिंगल डिजिट के लिए, एक पर्टिकुलर एक सिंगल डिजिट नंबर के लिए द्वंद निकालना हो तो उसको सिंपल इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाती है, और वही उसका द्वंद कहलाता है। जैसे 3 का द्वंद निकालना हो तो 9 हो जाएगा, 4 का द्वंद निकालना है, एक सिंगल डिजिट नंबर 4 है, उसका द्वंद जो होगा 16 हो जाएगा। तो किसी भी सिंगल डिजिट के लिए हम लोग को द्वंद निकालना होगा, तो ये 81, 9 का हमने द्वंद निकाला, 81 हो गया। ये सिंपल आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इस तरह से हमें उसकी द्वंद वैल्यू पता चल जाएगी कि उसका द्वंद वैल्यू क्या है। उसके बाद आता है किसी 2 डिजिट के लिए द्वंद निकालना है, तो 2 डिजिट का द्वंद निकालने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 टाइम्स कर देंगे। 2 डिजिट का द्वंद इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो ये 2 डिजिट का द्वंद हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 3 डिजिट्स की हम बात करें, 3 डिजिट्स का हम द्वंद निकालना चाहते हैं, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर करें, मिडिल टर्म को स्क्वायर कर दें और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर दें, तो ये 3 डिजिट्स का द्वंद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे फर्दर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट्स और 7 डिजिट्स, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम लोग इस तरह से वेरिएशन के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। एक और अगर 4 डिजिट का द्वंद लेना है, ABCD, तो इसकी जस्ट वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज का डबल कर दें, A2 टाइम्स A इंटू D + 2 टाइम्स फिर मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करके रख दें, तो ये इसका द्वंद हो जाएगा। तो हम लोग को जो भी अभी वर्किंग करनी है, सिर्फ 3 डिजिट तक के लिए बात हो रही है कि 3 डिजिट्स के नंबर तक का हमें स्क्वायर निकालना है, जिसमें द्वंद योग का फॉर्मूला होगा। और द्वंद योग इस तरह से हम लोग हर एक वैल्यूज का, हर एक पार्टीशंस का निकालेंगे और उसको इस तरह से समायोजित करेंगे। नाउ वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है, तो सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हमें
मान लेते हैं कि 8 का स्क्वायर करना है, तो देन यू फाइंड द्वंद सिंगल डिजिट नंबर 8, और सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर तो सिंपल, बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर के साथ, तो हमारा ये 64 मिल गया। तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर और सिंगल डिजिट का द्वंद दोनों समान वैल्यूज है। इसके बाद आता है कि दो डिजिट में अगर किसी का स्क्वायर करना है, 19 का स्क्वायर करना है आपको, तो इसमें कितने पार्टीशंस होंगे? दो डिजिट है ये, कितने ग्रुप बनेंगे? तो दो डिजिट का डबल करेंगे 4 4 माइनस 1, मतलब इसमें 3 पार्टीशंस होंगे। नंबर ऑफ पार्टीशंस यहां पे कितने हो जाएंगे? 3 पार्टीशंस होंगे, और वो किस तरह से होगा उसको जरा देख लेते हैं। पहले डिजिट का द्वंद, फर्स्ट डिजिट का द्वंद निकाल दीजिए, सेकंड ग्रुप में द्वंद 1 और 9 का होगा, फिर थर्ड में हो जाएगा 9 का द्वंद। तो ये नंबर ऑफ ग्रुपिंग हमने कर लिया, द्वंद निकालने के लिए ग्रुप बनाया है। इधर से स्टार्ट करेंगे 1 और 1 9, देन उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 को छोड़ करके 9 के साथ किया गया, तो नंबर ऑफ ग्रुपिंग हो गया, और ये नंबर ऑफ हमने पार्टीशंस कर दिए। तो अगर दो डिजिट का नंबर है तो उसका पार्टीशंस में कितने डिजिट आएंगे? 2 का डबल कर दीजिए 4 4 माइनस 1 3, देर आर 3 पार्टीशंस इन ए 2 डिजिट स्क्वायर नंबर। तो ये स्क्वायर नंबर होगा, तो हमें दो डिजिट का नंबर है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो जाएंगे? 3 पार्टीशंस होंगे। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, स्क्रीन कंप्लीट नहीं आ रहा है, स्क्रीन कंप्लीट नहीं आ रहा है, स्क्रीन कंप्लीट नहीं दिख रहा है। ओके, एक्चुअल में जो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इस आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने फुल स्क्रीन ले लीजिए और सर को पिन कर दीजिए, आपका फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, आप ग्रिड में मत रहिए। पिन करने पर भी नहीं है सर पूरा स्क्रीन, ग्रिड में मत करिए, तो आपका पूरा स्क्रीन आएगा, सब देखा सर, थोड़ा सा राइट साइड और शिफ्ट कर दीजिए, फिर हो जाएगा, नजर आ जाएगा। राइट ओके, जस्ट 2 डिजिट नंबर के लिए हमें 2 डिजिट नंबर कोई अगर लेना है, मान लीजिए 13 का स्क्वायर करना है, डिजिट स्क्वायर नंबर का हमें सॉल्व करना है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टीशंस 2 डिजिट का नंबर है तो 2 का डबल 4 4 माइनस 1 3, देयर आर 3 एंड देयर आर 3 पार्टीशंस इन दैट द्वंद योग वैल्यूज। तो ये हो गया द्वंद योग 1 का निकाल दीजिए, द्वंद योग 13 का निकालिए, और द्वंद 3 का निकालिए। ये ग्रुप हमने फॉर्म कर लिए और उनका द्वंद निकालना है, रिस्पेक्टिव इनका ब्लॉक हमने बना लिया, पार्टीशंस कर दिया, देयर आर 3 पार्टीशंस। अब वैल्यूज तो चाहे जैसे आप लिख दीजिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट लिखते समय लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ताकि यहाँ पे कहीं कैरी आ रहा है, कोई हासिल आ रहा है, कोई शुद्ध आ रहा है, तो उसको हम ट्रांसफर कर सके। मीन्स द्वंद ऑफ 3, द्वंद ऑफ 3 इज ए सिंगल डिजिट नंबर, सो यू पुट हियर 9, 3 का स्क्वायर 9, इसके लिए क्या द्वंद होगा? 2 × 1 × 3, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये द्वंद हो गया 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का द्वंद वैल्यू ये हो गई। नेक्स्ट वन, 1 का द्वंद 1 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं, जो अभी हमने आपको एक पार्टीशन करके दिखाया था, अब इनको आपको लिखना है। ये 9 होगा, 3 1 3 2 6, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। ये आपको द्वंद योग का यूज है,
169 13 का स्क्वायर, ये हम लोग ऑलरेडी लर्न भी होगा, हम लोग जानते भी हैं। थोड़े बड़े वैल्यू पे आते हैं जो टू डिजिट के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी वैल्यू पे आते हैं वो थोड़ा सा सीखा जाए। जैसे 37 का हमें स्क्वायर करना, 37 स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर टू डिजिट नंबर है, पार्टीशंस हमारे 3 होंगे, ये अंडरस्टूड है, ग्रुप भी हमारे पास 3 बनेंगे, तो द्वंद 3 7 37 और द्वंद 7। ये हमारे पास ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमने लिखा। इसके पार्टीशंस भी यही हो जाएंगे, देयर आर 3 पार्टीशंस इन टू डिजिट नंबर स्क्वायर वैल्यू। इस रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू लिखिए, द्वंद ऑफ 7 इज 49, इसका डबल करके 42, 7 को मल्टीप्लाई 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 3 एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसका द्वंद इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपने ये देख लिया, ये वैल्यू आपने लिख लिया, अब ये हर एक ब्लॉक में सिंगल डिजिट नंबर होगी, केवल यहाँ पर किसी भी ब्लॉक इस लास्ट में दहाई वाले सैकड़े वाले पोजीशन पे 2 डिजिट 3 डिजिट हो सकता है, लेकिन ये सारे सिंगल ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, सिंगल एलिमेंट इन ईच ब्लॉक। तो ये 4 इधर कैरी होगा तो ये 6 हो गया, ये 4 इधर कैरी करेंगे तो ये 13 हो गया, ये आपका सोल्यूशन फॉर्म हो गया 13 6 9। तो हम लोग हर एक ब्लॉक में इधर से सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर इधर कैरी जुड़ जाएगा, ये 46 हो गया तो 6 आ गया, 4 फिर से इधर कैरी चला गया तो ये 13 आ गया। यहां पर 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर संभव है, 2 डिजिट या 3 डिजिट का यहां सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज तो हो सकती है, लेकिन हर एक ब्लॉक में एक सिंगल डिजिट का नंबर होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ये द्वंद योग है किसी भी बेस पे, यहाँ पर बेस का कोई मतलब नहीं है, आप 90 का सीरीज का कोई नंबर हो या 10 के सीरीज का कोई नंबर हो, आप कोई भी नंबर लेकर के चलोगे तो उसकी वर्किंग इसी तरह से है। यहाँ पे बेस वैल्यू का कोई रूल नहीं लगता है और बेस से कोई लेना देना है भी नहीं, यहाँ द्वंद वैल्यू से लेना देना है कि जैसे ये 2 डिजिट पे है तो इसका द्वंद क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 और 21 2 42। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के इसको और देख लें। द्वंद योग बहुत अच्छा इसीलिए माना जाता है कि इसको बेस के लिए हमें कोई वर्किंग देखने की जरूरत नहीं होती है और हम लोग उस पर काम होगा। 98 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर द्वंद मेथड से ही हम लोग करेंगे, 98 का स्क्वायर करना है द्वंद ऑफ 9, द्वंद 98 और द्वंद ऑफ 8। अब इसको देखिए, ये पहले से ही अगर हम लोग लिख लें अपने फेवर में वैल्यू तो ज्यादा अच्छा है, इसका स्क्वायर होगा 64, 6 और 4 हमने लिख दिया, ये कैरी इधर आना है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सीख गए, तो हम कैरी को डायरेक्ट 2 स्टेप में ना जाके एक सिंगल स्टेप में ले जाना चाहते हैं। देन ये क्या होगा वैल्यू, 9 8 72 का 2 टाइम्स करेंगे तो 144, तो 144 में 4 यहाँ पे आएगा, 14 ये हो गया और ये 81 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यस सर। तो ये 64 का 6 इसके साथ आ जाएगा, इतना आ गया ये 4 6 और 4 10 0 कैरी 1, तो ये 15 हो गया, 15 इसके साथ प्लस कर दीजिए, 15 plus 81 96, ये आपके पास रिजल्ट हो गया
9604। तो हर एक ब्लॉक में, ये हमेशा याद रखिएगा कि हर एक ब्लॉक में हमें सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर ही मैनेज करना है, केवल ये एक्सट्रीम वैल्यूज पे टू या मोर देन टू डिजिट का नंबर आ सकता है, इट्स डिपेंड ऑन दैट नंबर। तो हम लोग थ्री डिजिट पे बात करें। Yes. टू डिजिट में किसी को कोई अगर डाउट है तो एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, अदरवाइज टू डिजिट आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग थ्री डिजिट्स पे आते हैं। थ्री डिजिट्स पे कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे पहले ये बताइए। फाइव। फाइव नंबर ऑफ ग्रुप एंड फाइव नंबर ऑफ पार्टीशंस थ्री डिजिट्स में। तो हम लोग अगर बात करें कि किसी नंबर ए बी सी का स्क्वायर निकालना है, ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी सी का स्क्वायर करना है तो देयर आर फाइव पार्टीशंस विद इट्स द्वंद वैल्यू, द्वंद वैल्यू ए का, द्वंद वैल्यू ए बी, द्वंद ए बी सी, द्वंद बी सी, द्वंद ऑफ सी। ये आपको याद रखना है कि ये फाइव पार्टीशन वन टू थ्री फोर एंड फाइव पार्टीशन हो जाएंगे, द्वंद ए, द्वंद ए बी, द्वंद ए बी सी, द्वंद बी सी और द्वंद सी। इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है वो भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये आपके पास द्वंद ऑफ ए है तो ए स्क्वायर लिख जाएगा, यहाँ पे दो डिजिट का द्वंद लिखना है तो ये टू इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। थ्री डिजिट्स का द्वंद लिखना है तो बी स्क्वायर प्लस का टू ए सी होगा, और यहाँ पे फिर से आ गया तो टू बी सी एंड दिस वन इज सी स्क्वायर। तो हम लोग के पास फाइव पार्टीशन इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ए स्क्वायर टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसका हमने सिंपल द्वंद लिख दिया है। तो अब आप किसी भी नंबर के लिए जब आप स्क्वायर करोगे तो उनकी द्वंद वैल्यू इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। अब द्वंद वैल्यू आपको आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर लोगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 123 का स्क्वायर करना है, 123 का स्क्वायर आसान सा स्क्वायर है, बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं, लेकिन द्वंद के रिस्पेक्ट में कैसे करना है। द्वंद वन, द्वंद वन टू, द्वंद वन टू थ्री, द्वंद टू थ्री और द्वंद थ्री, ये आपके पास वैल्यू हो गया। वन का द्वंद निकाल दीजिए, वन टू का निकालिए, वन टू थ्री का निकालिए, टू थ्री का निकालिए और थ्री का निकालिए, और इसको दोनों तरफ से द्वंद वैल्यू तो हम किसी भी तरह से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं। अच्छा होगा कि इधर से लिखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो ये हो गया नाइन इसका द्वंद टू इंटू थ्री इंटू टू, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये ट्वेल्व हो गया। यहां पे क्या आएगा, फोर प्लस टू टाइम्स वन इंटू थ्री, टेन आएगा सर, ये बात होगी। तो टू इंटू वन इंटू टू हो जाएगा और ये वन का स्क्वायर वन दे देगा। ये आपके पास सिंपल वैल्यू है नाइन टू और ये वन कैरी तरफ आएगा, ये हो गया सिक्स और फोर टेन और वन इलेवन, वन देन कैरी वन इधर आएगा तो टू टू जा फोर और वन फाइव फाइव देन वन, पास वैल्यू आ गई वन फाइव वन टू नाइन। क्या
थ्री डिजिट्स में हम लोग इस पर काम करते हैं, हर एक रोल में सिंगल डिजिट काम कर रहे हैं, यहां फाइव ब्लॉक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव ब्लॉक्स में थ्री डिजिट के नंबर कर दिए हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे माइनस वन, देयर आर फाइव ब्लॉक्स, देयर और एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर के एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आसान होगा करना पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा जटिल भी है और द्वंद आसानी से जितनी जल्दी आप निकाल पाओगे उतना अच्छा होगा। सभी को अपना म्यूट करिए, सर की आवाज नहीं आ रही है। तो ये द्वंद निकालने का है, देखिए ये थ्री डिजिट नंबर है, इसका द्वंद होगा मिडिल टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम टर्म, जो अंक के जो अंक है उनका दो गुना, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर और दो गुना अदर्स एक्सट्रीम वैल्यूज का स्क्वायर, फिर इसका द्वंद निकालना है, टू इंटू नाइन इंटू एट हो जाएगा और नाइन का द्वंद होता है 81। इसको आप वैल्यू देखिए, ये 63 हो गया, 63 का दो गुना करेंगे तो 126, 126 में 64 जोड़ेंगे, 26 में 64 तो 26 में 4 दे देंगे तो 130 और 6190, इसकी जो वैल्यू होगी 190 होगी। और ये हो गया 144 और ये आपको 81 एज इट इज हो गया। अब ये वैल्यूज को आप ठीक से अरेंज कर दीजिए, ये 9 हो गया, ये 4 इधर कैरी जुड़ गया, 2 एंड 4 इज 6, अब ये 11 इधर जुड़ जाएगा, ये 201 हो गया, 201 का 1 कैरी 20, 20 यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 4 2 16, 16 इसके साथ ऐड करेंगे तो 97, ये आपके पास बड़ी वैल्यू है 97 4 1 6 9। अब चाहे तो इसको बीजांक के द्वारा चेक भी कर सकते हैं, फिर से देखें, ये 4 यहाँ पे प्लस होगा तो 6 हो गया, क्लियर, देन 11 कैरी होगा तो ये 190 था और 11 201 का 1 हो गया, कैरी 20 एंड 4
24 कैरी 2 16 यहां पे प्लस कर रही है 97 तो ये आपके पास रिजल्ट है। तो हम लोग इस तरह से 3 डिजिट्स नंबर तक के लिए द्वंद योग को यूज करेंगे और द्वंद योग जितना भी हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाए तो हमारे पास और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स, इतना स्टेप्स करना ही नहीं पड़ेगा, केवल 2 स्टेप्स में वर्किंग हो जाती है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो फर्स्ट आपके जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए लिख करके दिया गया है, ये तो ये कोई भी वैदिक गणित का जो टीचर होगा या काम कर रहा है वैदिक गणित का वो इस स्टेप को नहीं लिखेगा, वो डायरेक्टली ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि ये कैरी केवल फॉरवर्ड करने के लिए। तो जब आप वर्क करेंगे और इस पे और इंटरेस्ट लेंगे, अपने फेवर के कुछ एग्जांपल्स से सीख लेंगे तो ये बहुत अच्छे स्पीड के साथ वर्क कर सकता है। इसको ही अगर हम लोग अलजेब्रिक में थोड़ा सा ले जाए द्वंद योग के थ्रू 2 या 3 डिजिट्स तक के लिए, तो किस तरह से हम लोग स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, 3x+4 का स्क्वायर करना है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा अर्थमेटिक में हम लोग काम करते हैं। अगर x की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, 34, ये 34 दे देगा। नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने आएंगे, 2 टर्म यहाँ पे हैं, इसका स्क्वायर करना है तो नंबर ऑफ पार्टीशंस 3 होंगे, 3 पार्टीशंस होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे द्वंद 9 का हो 3 का होगा, द्वंद 34 का हो जाएगा और द्वंद 4 का होगा। यहाँ पे जो कोफिशियंट आ रहा है 3 यहाँ पे बन रहे हैं, तो x की पावर 0 का वैल्यू, x की पावर 1 और x की पावर 2, इनकी वैल्यूज है ये, तो ये आप लिख दो, ये हो गया 6, 1, 4, 2, 9। और अलजेब्रा में एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कैरी इधर करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, वो एज इट इज वैल्यूज आपके पास लिख दिया जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9x² + 24x + 6, ये इसका स्क्वायर वैल्यू हो गया 3x + 4 का स्क्वायर। तो यहां पे कैरी करने की भी जरूरत नहीं होती अलजेब्रा में, शायद यही सोच करके भास्कराचार्य जी ने कहा था कि जिनको अंकगणित नहीं समझ में आती है उनके लिए बीजगणित बनाई गई है, और इस बात को वो सिद्ध कर रहा है, वो स्टेटमेंट सिद्ध हो रहा है कि अलजेब्रा में ये कैरी भी करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक ब्लॉक में जितना एलिमेंट है उसके कोफिशियंट के साथ आपने लिख दिया है, वो आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है? हेलो, हमें सुन पा रहे हैं सर? आ रही है आपकी आवाज, प्लीज कैरी ऑन। जी तो सुन पा रहे हैं। नाउ एक एग्जांपल और, थर्ड डिजिट में अलजेब्रा का ही ले लेते हैं तो ज्यादा ठीक है। अलजेब्रा में ही 3x² 4x + 5 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर वैल्यू देखना है। तो इसके स्क्वायर के लिए आप परेशान हो जाए, कितने पार्टीशंस होंगे, देयर आर 3 एलिमेंट्स, का स्क्वायर करना है तो 3 का 2 टाइम्स 6, 6 - 1 = 5, तो इसमें 5 पार्टीशंस होंगे, वो 5 पार्टीशंस किसकी वैल्यू होगी, x की पावर 0 से लेकर के x की पावर 4 तक के लिए वैल्यूज होगी, x की पावर 0, 1, 2, 3 and 4, तो ये 5 पार्ट्स हो जाएंगे, और हर एक पार्ट्स की जो वैल्यू है वो आप प्रेजेंट कर दीजिए, आसान हो जाएगा बहुत। क्या आ जाएगा,
थ्री का द्वंद लिखना है, द्वंद थ्री का लिखना है, फिर द्वंद किसका लिखना है, 34 का लिखना है, फिर द्वंद लिखना है 3, 4, 5 का, द्वंद लिखना है 4, 5 का और द्वंद लिखना है 5 का। केवल द्वंद वैल्यूज लिख दीजिए, आपका रिजल्ट है, कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये द्वंद वैल्यू केवल प्रेजेंट करना है। तो ये हो गया 25, इसका द्वंद कितना होगा 14, इसका द्वंद कितना होगा 46, इसका द्वंद हो गया 24 और ये द्वंद हो गया 9। जब आपने इसका स्क्वायर किया है इस वैल्यू का तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 9x की पावर 4, 24x क्यूब, 46x स्क्वायर, 40x एंड 25, 9x टू द पावर 4, 24x क्यूब, 46x क्यूब, 40x एंड 25, 5 का द्वंद वैल्यू 25। तो इतना सिंपल हो जाता है अलजेब्रा में, तो हमें लगता है कि अर्थमेटिक से ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कैरी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जो वैल्यू है वही एज इट इज लिख दिया। किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा में और अर्थमेटिक में 3 डिजिट नंबर पे 2 और 3 डिजिट का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा अच्छा है कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं क्या? इतना तो हमने सिखाया आपको एज ए बिगिनर, एज ए छोटे बच्चे की तरह से हमने आपको सिखाया है, क्या डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या? जरा एक ट्राई किया जाए, 26 का स्क्वायर ट्राई करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या द्वंद के रिस्पेक्ट में। ये 36 होगा, फिर 2 डिजिट का एक फर्स्ट पार्टीशन तो ये हो गया, फिर इनका द्वंद क्या होगा, 6 2 12 2 24, 4 और 2 हो जाएगा और फिर इसका द्वंद हो जाएगा 4। तो ये आपके पास रिजल्ट है 6, यहाँ पे ये प्लस हो गया 7 और ये 2 इधर आ गया 6 6 7 6। तो अगर हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो डायरेक्ट हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, मतलब हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है, क्योंकि तो जो चीज हम लोग सीख रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी काम कर रही है इस मामले में, तो हमें लग रहा है कि शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जो इतना सजग है वैदिक गणित को लेकर के, जो हर दम कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोर्सेस चला रही है, आपको इतना मोटिवेट कर रही है। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है, सुन पा रहे। तो कुछ आप सुन पा रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो? क्योंकि 2 डिजिट और 3 डिजिट तक के लिए हमसे बात की गई थी, तो 2 और 3 डिजिट तक के लिए तो इतना ही वर्किंग है। हमने उसको अलजेब्रा में भी 3 डिजिट तक का ले गए, 3 डिजिट और 2 डिजिट तक काम किया है। तो अब आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो 2 और 3 डिजिट्स में तो पूछ सकते हैं। बाकी आपको एक असाइनमेंट भी दिया गया होगा और एक क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो भी आपके पास होगा या राकेश जी के पास होंगे। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? केके सर को नमस्ते है मेरा। एक्सक्यूज मी सर, मैं बोल रहा हूँ केके सर को नमस्ते है, केके सर जो है।
अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं और टू और थ्री डिजिट में या कुछ और एग्जांपल्स कोट किया जाए क्या सर? सर क्या आप स्क्वायर के बारे में आप एक बार भी बोलिए सर। सॉरी हाँ हेलो सर नमस्ते सर, इस स्क्वायर के बारे में आप एक बार भी बोलिए सर। किस चीज के बारे में सर? हेलो सर ऑडिबल है सर जी, किस चीज के लिए? हेलो सर, हायर पावर्स के लिए भी कोई फॉर्मूला रहेगा क्या इसमें? इस पावर के लिए हायर, इससे हायर, जैसे हमने पावर अभी टू करी है ना सर, जैसे पावर क्यूब में है या फोर में है, फाइव ऐसे है, लेकिन जो अभी हम ये जो लेक्चर आपको डिजाइन किया गया था सिर्फ द्वंद योग का था और केवल स्क्वायर करने का था, टू डिजिट और थ्री डिजिट जो आपके कोर्स के लिए जरूरी था। बाकी हायर डिजिट में तो आपको दसियों डिजिट तक काम हो सकता है। मेरु प्रस्तार है, जो मेरु प्रस्तार है उसमें तो कितने भी डिजिट तक का फटाफट हो जाता आंसर, चाहे जितने पावर तक हो, 10 डिजिट पावर तक तो ऐसे ओरल आ जाते हैं। ओके सर, अभी फिलहाल स्क्वायर तक की बात है और द्वंद्व योग की बात है। स्क्वायर तो कई एक मेथड है लेकिन पर्टिकुलर कोर्स में लिखा रहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को द्वंद्व योग से करके आप दीजिए। तो द्वंद्व योग का उपयोग वर्गमूल में भी किया जाता है और वर्ग करने में भी किया जाता है। तो ये हमने वर्ग केवल बताया है जो कि आज के लेक्चर के लिए डिजाइन किया गया था और आपको बताना था। सर कैन वी टेक वन एग्जांपल ऑफ माइनस विद एलजेब्रा में माइनस साइन के साथ? ओ हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, जो हम लोग विनुकुलम निकालते हैं वो आपको पता है थोड़ा सा? यस सर। तो विनुकुलम के थ्रू चलते हैं हम लोग, 2x माइनस 3 का स्क्वायर करना है, ये है आपके पास। तो हम बिल्कुल उस तरह से ही वर्किंग करेंगे। नंबर ऑफ पार्टीशन में कितने होंगे? 3 पार्टीशन होंगे, 1, 2, 3 पार्टीशन। तो ये द्वंद होगा 2 का, ये होगा द्वंद 2, 3 बार का, ऐसा लिखेंगे विनुकुलम फॉर्म में, और द्वंद होगा 3 बार का। क्लियर है? यस सर। तो ये बस सिंपल इतनी सी वर्किंग है। अब इसको देख लीजिए, ये 3 का बार का स्क्वायर 9 हो जाएगा पॉजिटिव। हाँ जी। इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 12। हाँ, 12 निगेटिव। क्लियर है? यस सर। और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आप इसकी वैल्यू है, ये x की पावर 0 है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 9। थैंक यू सर। तो ऐसा मतलब कि इतना अच्छा है अलजेब्रा के लिए भी कि आप बहुत थोड़ा सा इस तरह का ध्यान रखोगे। तो ये नेगेटिव 12 है तो 12 हमें नेगेटिव में लिख देना है, इसका ये नहीं कि इधर से कैरी करके इसको पॉजिटिव बनाए, ये काम नहीं करना है। जी सर। ठीक है जी, जैसा है वैसे ही प्लस कर देना है। एक्सक्यूज मी सर। सर जी। हेलो जी। हाँ जी बताइए। हेलो सर जी। हाँ सर, हाँ जैसे आपने बड़ा नंबर लिया 987 का स्क्वायर है ना, तो उसको या 78 का स्क्वायर, तो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो द्वंद्व योग में भी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो इसी को अगर हम विनकुलम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैलकुलेशन भी कम हो जाता है और आंसर भी जल्दी आ जाता है। ऐसा एग्जांपल आप लेंगे क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, उसको विनकुलम लेकर के देखिए। अब विनकुलम की फिर बात आएगी ना, तो हम अच्छा चल रहे थे। अच्छा ठीक है, तो आसान होगा आपके लिए।
जी जी अरे सुजीत सर जी, हेलो सुजीत सर जी, सर जी बताइए, बोलिए। हाँ नमस्कार, ये द्वंद्व योग का वैदिक गणित में सूत्र क्या होगा? सूत्र से जोड़ते चले ज्यादा होगा, अगर कोई द्वंद्व योग का संस्कृत में सूत्र हो तो उससे जोड़ते चले तो और अच्छा रहेगा। नहीं, वैदिक गणित में द्वंद्व योग का जो अलग से ही एक उप सूत्र था, जो कि शंकराचार्य के जी के उस बुक में नहीं द्वंद्व योग दिया गया था, ये बाद में हम लोग ने जो भी काम किया, जो हमारे सीनियर्स ने, उनको एक अलग सब सूत्र बना करके इसको लेकर के चल रहे हैं। इसकी व्याख्या तो है, जैसे इस समय वर्तमान में इसका नाम इंग्लिश में डुप्लेक्स मेथड करके लोग दे रहे हैं। अच्छा जी, जबकि ये पूरा जो है, ये पूरी व्याख्या द्वंद्व योग की आपके वैदिक गणितों में है, यानी कि पुराने गणित में जो शंकराचार्य जी ने दिया था उसमें नहीं है। अच्छा अच्छा जी सर। तो हम लोग किसी भी नंबर को दूसरे बिनु कलम पे ले जाकर के भी क्वर कर सकते हैं। तो हमें स्क्वायर नहीं सीखना था, हमको द्वंद्व योग सीख कि द्वंद्व योग विधि क्या है, क्योंकि द्वंद्व योग जो आपके पास है उसके रिस्पेक्ट में आप बिनु कुलम लगा सकते हैं, फिर स्क्वायर करना है तो हम बेस वैल्यू पर जा सकते हैं। स्क्वायर हमें सीखना तो था ही, लेकिन द्वंद्व योग मेथड का प्रयोग करते हुए सीखना। तो द्वंद्व योग का जो आपने अभी बात किया कि बिनु कलम से बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, तो कर सकते हैं। 97 का स्क्वायर करना है तो 103 का स्क्वायर होगा, 103 बार हमने लगाया। अब ये 2 डिजिट में था और ये 3 डिजिट में है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन आपके होंगे 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे 3। तो ओवरऑल टाइमिंग जो बचाने की जो बात है, तो ये 5 स्टेप्स वर्किंग हो जाएगी और ये 3 स्टेप्स की वर्किंग है। हम लोग देख सकते हैं कि हमें टाइम कहाँ पे बच सकता है, तो हमें नहीं लगता है कि ये 2 स्टेप्स और बढ़ने से इनके टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। अनिल जी, ये ठीक है कि हमको द्वंद्व सीखना था डुप्लेक्स मेथड, लेकिन इफ वी हैव 97 तो हम तो बेस मेथड से निकालेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप केवल स्क्वायर सीखने की नहीं बात थी, आज का जो सिलेबस था वो द्वंद्व योग सीखने की बात थी कि हम द्वंद्व योग के थ्रू कैसे जा सकते हैं। हम स्क्वायर केवल नहीं सिखाना रहे, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए तो 9 या 10 मेथड हैं और द्वंद योग केवल एक अपने आप में ही मेथड है। तो हमें केवल द्वंद योग सीखना था और उसको उपयोग आप जिस तरह से कर सकते हैं, इसमें 5 स्टेप्स वर्किंग होगी और ये 3 स्टेप्स वर्किंग। इट इज अ जनरल टेक्निक, नो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। General, not based on the base value actually. Yeah, it's not specific. Yeah. और कोई डाउट किसी बच्चे का कोई भी हो? मैं सबको नहीं जानता, आप लोग जो भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि और कुछ पूछिए तो हम और इस पे। अनिल जी कहाँ है? अनिल जी कोई डाउट्स किसी बच्चे का? सर यही पर सर, नमस्ते सर, कंटिन्यू सर। मैं अंकित शर्मा बोल रहा हूँ सर। मैं ये बोल रहा था कि क्या वैदिक मैथ्स का ज्योतिष में हम यूज कर सकते हैं सर, और क्या हम लग्न निकाल सकते हैं सर, लग्न इष्ट? देखिए, समय सारणी हम लोग की है, वैदिक काल की जो समय है उसी से सब गणना होती है, और इस समय तो वैदिक ज्योतिष का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत डिमांड है। अगर आप ज्योतिष को वैदिक से जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रोफेशनल कोर्स है इस समय,
वैदिक ज्योतिष का तो इस समय इंटरनेशनली बहुत डिमांड है। अगर आप वैदिक गणित का जो हम लोग मूलांक निकालते हैं किसी के थ्रू, तो जी कई पंडित जी लोग बताते हैं मूलांक जी के थ्रू ही कि जन्म तिथि को जोड़ के सिंगल डिजिट पे बदल देते हैं और वो सिंगल डिजिट से आपको कुछ बताते हैं आपके विषय में। यस सर मतलब हम ज्योतिष में यूज कर सकते हैं सर, इसका बिल्कुल यूज कर लग्न सकते लग्न हैं। निकालने के लिए, लग्न इष्ट। हाँ लग्न वो तो आप थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे गुरु जी जो है कैलाश विश्वकर्मा जी, वो तो ज्योतिष के बहुत अच्छा ज्ञान है, उनको पत्रा उत्रा देखने आता है, सारी चीजें उनको आती हैं। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हमने केवल सॉरी सर, एक चीज पूछना था। जैसे ये वेनकुलम करके 97 का 10 बार 3 मतलब बना, तो क्या हम 10 को 1 और बार 3 को बी की तरह लेके 2 डिजिट का बनकर नहीं कर सकते स्क्वायर? नहीं, आप 2 डिजिट्स में इसको नहीं ले जा सकते हो, आप गलत कर दोगे फिर इसके थ्रू, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीशन से यहाँ पे 5 होने चाहिए, जो हम लोग का बेसिक है द्वंद्व योग का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना पड़ेगा। यदि इसलिए 10 को ए की समझ लें, ए की तरह 10 को। नहीं, ओके आप उस तरह से करोगे तो आपसे गलती हो जाएगी। आप 3 डिजिट में इसको चेंज कर लेना चाहते हो तो वो आसानी से जाएगा नहीं, आपको 5 पार्ट्स में लेकर के ही जाना पड़ेगा, ये 3 पार्टीशंस के थ्रू होगा। क्योंकि 2 डिजिट में ये नहीं जाएगा, ये 3 डिजिट्स का है तो आपको ये इंडिविजुअल ही जाना पड़ेगा, 2 डिजिट्स पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि द्वंद्व सिंगल डिजिट का उस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 डिजिट का उसका पूरे का स्क्वायर होता है, तो हम उसको नहीं ले जा सकते। और आप अगर ट्राई करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। इसको करके बता दीजिए एक बार। 3 डिजिट्स में ही होगा, 2 डिजिट में हम नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे। कि आप जो बोल रहे हो ना कि ये सिंगल मान लीजिए, तो हम सिंगल नहीं मान पाएंगे इसको, हम 2 ही मानेंगे इसे। ठीक है, तो इसको द्वंद्व योग से हम इसको सॉल्व करते हैं। द्वंद्व 1 का निकालिए, द्वंद्व 10 का निकलेगा, द्वंद्व 103 बार का निकलेगा, द्वंद्व 03 बार का होगा, और द्वंद्व जो होगा 3 बार का होगा। देन वैल्यू लिखिए, 1 का द्वंद्व लिखेंगे तो 1 आएगा, 10 का द्वंद्व क्या होगा? आंटी टू अरे 2 × 1 × 0, तो ये 0 द्वंद्व यहां पे आएगा। इसके लिए द्वंद्व क्या आएगा? 0 का स्क्वायर जीरो प्लस 2 × 1 × -3, इसका द्वंद क्या होगा? 0, और इसका द्वंद हो जाएगा 9। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को प्लेस करना है, इस तरह से आएगा 9 0 -6 0 and 1, देयर आर 5 पार्टिशन, 1 2 3 4 5 पार्टिशंस। अब ये वैल्यू लिखी गई है 106 बार 09। अब इसको विनु कलम में आप चेंज करिए, विनु कलम से चेंज करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4, और इसको एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया नाइन 9, 0 4 9। तो विनुकुलम चेंज करने के बाद हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। तो विनुकुलम पे हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा सा यहीं पे हेल्प मिल जाती है, बाकी तो स्टेप्स तो बढ़ गए और यहाँ पे स्टेप्स कम रहेंगे।
जी सर, जैसे यहाँ पर बार नंबर में एक ही आया 6, लेकिन यदि इधर बार के में 2 डिजिट हो तो फिर कैसे उसको करेंगे आगे? ये हाँ, टू डिजिट तो भी बार सपोजिंग इंस्टेड ऑफ -6 इट वाज -26, तो फिर कैसे करते हैं उसको, ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो वो अलग टॉपिक अलग हो जाएगा ना। देखिए अब आपको ये इसीलिए तो मैंने पूछा कि आपको बिनु कलम आता है क्या, तभी तो आप यूज कर पाएंगे ना। ट्वेंटी ओके, एक सिक्स बार बता दीजिए। तो फर्स्ट फ्रॉम 10, अदर्स फ्रॉम 9, ये हम लोग का वैदिक गणित का जो सूत्र है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा कि आपको जैसे 1 0 2 बार 6 बार ये लगा हुआ है और ये यहाँ सब पे ये तो ठीक है सर, ये विनकुलम को सिंपल और सिंपल को विनकुलम में आता है, लेकिन इसमें जब पार्टीशंस में सपोज करें कि बार में अंडर बार वी हैव 2 डिजिट्स इन वन सेक्शन, मगर बाकियों में पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर वो विनकुलम वाले को कैसे हैंडल करना है, उसी उसी सेक्शन में ही हैंडल करना है? ओके, आपका ये कहना है कि ये पार्टीशंस में आ गया इस तरह से। तो हाँ जी अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज दिस नंबर इनटू द पॉजिटिव, ऑल राइट इसको यहीं पे पॉजिटिव में चेंज कर लीजिए। तो ये तो 4 एज इट इज है और ये पॉजिटिव में चेंज होने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 9 फोर से एंड हो सेवन जाएगा और हो नाइन जाएगा। ओके अब ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू इधर कैरी जुड़ेगा। ठीक ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू। और जी किसी के मन में कोई डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, द्वंद्व योग से रिलेटेड? सर ये जो हम लोग पार्टीशन का नाम लेते हैं इसमें, जी हेलो, जी सर जी बोलिए। पार्टीशन का नाम लेते हैं तो ये रामानुजन की जो पार्टीशन थ्योरी है उससे तो कहीं कोरिलेट नहीं होता। रामानुजन ने पार्टीशन का बड़ा अच्छा काम किया था। हाँ, रामानुजन के जो पार्टीशन थ्योरी है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में काम करती है सर ज्यादा। नहीं, यहाँ पे नेचुरल हम नंबर एक में काम सबको कर रही है। बात कर रहे हैं, ये रामानुजन जी की थ्योरी सर नहीं है, ये हम पार्टीशन इंग्लिश वर्ड है जबकि हम समूह की बात कर रहे हैं। देयर आर 5 ग्रुप्स या 3 समूह की बात कर रहे हैं, एक समूह, दो समूह और 3 समूह। तो इस समूह को हमने के थ्रू अलग करके इसको पार्टीशंस कह दिए हैं, भाग कह दिए हैं कि 3 भागों में ये डिवाइड हुआ है। हाँ जी हेलो, हाँ जी मैडम, समअप किया जाए। जी सर, यस सर, तो हम कह रहे हैं आपने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया कुछ अपने विषय में बताने के बहुत लिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आशा करती हूँ कि सभी सहभागी आपके व्याख्यान से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके थैंक यू अब वेरी समय मच। है हमारे चौथे तकनीकी स्तर के दूसरे वक्तव्य का। अब हमारे मुख्य वक्ता श्री अनिल कुमार ठाकुर जी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली से हैं। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर आपके उद्बोधन का विषय रहेगा क्यूब ऑफ नंबर्स, निखिलम मेथड फॉर क्यूब ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स। सर मैं सहभागियों को आपके जीवन परिचय से अवगत करवाना चाहूंगी।
सर आप वर्तमान में दिल्ली में वैदिक गणित प्रांत सह संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा वैदिक गणित विशेषज्ञ के रूप में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप 200 से अधिक विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यशाला का अनुभव रखते हैं। आपका वैदिक गणित पर 200 से अधिक YouTube वीडियोस बनाने का अनुभव है। आप वैदिक गणित के सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स तथा शोध कार्य करवाने का अनुभव रखते हैं। आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। आप वैदिक गणित के माध्यम से अंक गणित बीज गणित ज्यामिति त्रिकोणमिति अवकलन एवं समाकलन आदि विषयों पर कार्य का अनुभव रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपने वक्तव्य का आरंभ करें। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण और विश्वविद्यालय के सभी सहयोगी, उन सभी को हमारा प्रणाम। और आज का जो अपना विषय है, इस विषय को मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ। थोड़ी सी आज का हमारा विषय है क्यूब ऑफ ए नंबर। पीछे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी के विषय में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, सूत्रों के विषय में भी बात हुई है। सर्वप्रथम हम संख्या की बात करते हैं, नंबर। वैदिक काल से ये संख्याएं हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन वास्तव में संख्या है क्या, इस बात को, और संख्या करती क्या है? तो मूल रूप से संख्या जो है वो डिफरेंशिएशन का काम करती है, विभेदीकरण का, डिफरेंशिएट करती है चीजों को। व्याकरण के ज्ञाता भर्तृहरि ने वाक्यपदीय ग्रंथ में कहा है, क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका। यानी क्रिया जो होता है वो काल के द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन संख्या जो है सभी का भेदन करती है, यानी उसमें भेद उत्पन्न करती है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, एक नाम के अगर दो चार आदमी होते हैं तो उसको हम नाम के आगे 1 2 3 4 लगा करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरह से संख्या का मूल कार्य यही है। अब इसमें जो भी थोड़ा सा है मैं आपको वो करता चलूंगा। अब आते हैं आज का जो हमारा मूल विषय है। थोड़ी डुप्लेक्स की चर्चा पीछे भी हुई थी और यहाँ डुप्लेक्स की चर्चा भी होगी, द्वंद की, क्योंकि द्वंद का जो अगला चरण होता है वो घन होता है। कुछ गणितज्ञ जो है वो पावर 3 हो जाने पर उसको ट्रिप्लेक्स के नाम से जानते हैं, त्रिक बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी डुप्लेक्स ही है, द्वंद ही है। कुछ गणितज्ञ जो है वो घन को भी यानी पावर 3 को भी द्वंद के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक संख्या का 3 बार गुना होता है। अब घन क्या है तो इस विषय में चर्चा करते हैं कि किसी संख्या को उसके द्वंद के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें घन प्राप्त होते हैं। अब हमने यहां चर्चा किया है संख्या का, संख्या के अंदर अंकों की बात यहां नहीं हुई। अगर मान लेते हैं कि 3 का अगर हम
द्वंद करते हैं तो 9 आ जाता है, लेकिन 1 और 3 अलग अलग इसको करें तो उसका द्वंद अलग होगा, और 13 का सिर्फ 13 का अगर हम द्वंद करते हैं तो फिर इसका अलग ये आता है, जो कि 2 संख्याओं का आपको जो है द्वंद करने का उसमें आपने देखा है कि कैसे इसको किया जा सकता है। जैसे यहां पर थोड़ी सी जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये देखें, जैसे मान लेते हैं कि ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 अगर करते हैं या सॉरी 13 कर दे तो आपको आ जाएगा 169। अगर मान लेते हैं कि ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 और 3 ऐसा करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाए। तो इस पर इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो हमने यहां संख्या की बात की है तो उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक गणित की चीजों को थोड़ा सा, वैदिक गणित में घन प्राप्त करने की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहला तो पारंपरिक विधि है, जिसमें आप किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करके सीधा सीधा घन प्राप्त कर सकते हैं। और तो इस पर, इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, और इससे आगे बढ़ करके अब वैदिक गणित विधि की हम चर्चा करें। वैदिक गणित की विधि जो है वो पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा रचित वैदिक गणित के 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के साथ साथ 3 विशिष्ट संक्रियाएं हैं, जिनके द्वारा हम ये सारी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि में यहां हम 2-डिजिट नंबर यानी 2 अंकीय संख्या का घन निकालने पर इसका प्रयोग करेंगे। इसमें 4 खंड होते हैं, इसका जब उत्तर प्राप्त किया जाता है तो 4 खंड होते हैं, और ये खंड क्यों होते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके विषय में जैसा कि हमने सुना था पहली क्लास में इस पर चर्चा हुई थी, हमारे डेसिमल सिस्टम पर आधारित चीजें हैं, इसको आगे आप लोगों को बताएंगे कि अगर दाएं से देखा जाए तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस और रेस्ट ऑफ द डिजिट को लास्ट में रखा जाता है। यहां देखें कि अगर 2-डिजिट के नंबर को लेते हैं तो दाएं से फर्स्ट जो यूनिट प्लेस होता है और दूसरा टेंस प्लेस होता है, तो टेंस प्लेस पे पावर 1 होता है। अगर 10^1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसा आप देखें, टेन टू दी पावर 1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 10^3। अब सॉरी 10^3 को अगर हम फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास 4 खंड आते हैं, 10^3, 10^2, 10^1 और 10^0, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये हमारे पास 4 जो है। और यहां पर आकर के इस डिजिट को, चौथे खंड को हम फ्री छोड़ देते हैं, इधर से जितने भी अंक आते हैं वो सारे अंक यहां पर एक्युमुलेट होकर के लिखे जा सकते हैं। इस प्लेस पर, चौथे खंड पर 2-डिजिट भी हो सकता है, 3-डिजिट भी हो सकता है, तो इस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस अनुरूपेण विधि में प्रत्यक्ष रूप से
जो सूत्र का प्रयोग होता है वो होता है अनुरूपेण। अभी पिछले क्लास में कुछ बच्चे ऐसा प्रश्न कर रहे थे कि डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स पर थोड़ा प्रभाव डालें, तो वहां भी थोड़ी भी यहाँ चर्चा होगी इस विषय पर। तो यहाँ देखें अनुरूपेण सूत्र जो है वो प्रत्यक्ष रूप से तो हम अनुरूपेण सूत्र लगा रहे हैं, लेकिन इसके हिडन बैकग्राउंड में क्या काम करता है। तो बैकग्राउंड में आपका जो है ये ऊर्ध त्रिभ्याम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का सूत्र प्रयोग होता है। अब ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का सूत्र किस प्रकार काम करता है और वो अनुरूपेण बनाता है, कई बार इसकी चर्चा करेंगे और फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ जो चीजें हैं इसको अब समझेंगे कि किस प्रकार ये जो है आगे काम करेगा। यहां पर हमने दो अंकीय संख्या बाइनोमियल की बात की है, दो अंकीय संख्या, यहां स्क्वायर की भी बात पीछे हुई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहां जब यहां देखें एक संख्या ए और दूसरी संख्या अगर बी लेते हैं तो हमारा और इसका जब घन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो खंड होगा, पहला सेक्शन जो होगा वो हो जाएगा पहली संख्या यानी टेंथ प्लेस पर जो नंबर है उसका घन। उसके बाद दूसरा जो ये हमारा सेक्शन होगा वो होगा यानी पावर को एक कम कर दें ए स्क्वायर बी, ठीक है। और हमारा तीसरा खंड जो होगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। आप देखें पहले टर्म से पावर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहां ध्यान दें यहां पर थ्री है, यहां पर आपका टू हो गया और यहां पर पावर वन हो गया। और उसके बाद जो चौथा खंड बचेगा इस पे हम ए पर पावर जीरो हो जाएगा जो लिखेंगे नहीं और चौथा खंड हमारा जो है ये बनके तैयार होगा। अब इसे पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका 12 है तो क्या है कि एक सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि यहां हम इस नंबर को देखते हैं। अब देखें इसका क्यूब करना है तो सबसे पहले हम 1 का क्यूब कर लें, उसके बाद 1 का स्क्वायर और इनटू 2 कर दें और दूसरा है 1 और आप 2 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 पे पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये आपका एक चरण पूरा हुआ है। अब इसमें यहां ध्यान दें कि ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर जब ये अनुरूपेण सूत्र में कार्य करता है तो इसका 2 गुना यानी 2a² b इसमें ऐड करते हैं और फिर यहां भी 2ab² को हम ऐड कर लेते हैं। अब ये पूरा फाइनल आपका आंसर के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहां देखें सेम प्रक्रिया, 1 आ गया और यहां पर क्या आ गया 2 आ गया दूसरे खंड में, तीसरे खंड में ये 4 आ गया और ये नेक्स्ट खंड में 8 आ गया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहां पर इसका 2 गुना यानी यहां पर 4 ऐड करना है और यहां पर 8 ऐड करना है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 8 और 4 12 कैरी ओवर 1 और 4 और 2 6 और इधर का एक आ जाएगा 7, ये अब हटा दे और ये आ गया 1728, इसका जो है आपका आंसर आ जाए। अब
यहां पर ये देखना है कि ए स्क्वायर बी जो आपका है और 2a² b, जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपका बन गया 3a² b बन गया, और इसी तरह से ए बी स्क्वायर और 2ab² को जब आप कैलकुलेट कर देते हैं तो आपका यहां पर बन जाता है 3ab² यानी जो हम बच्चों को क्लास 8th या 9th में जो फॉर्मूला पढ़ाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो आपका बन करके तैयार हो गया। यहां पर कई चीजें लागू हो रही है, जैसे आपने पहले देखा था कि चर्चा हुई थी मेरु प्रस्तार की, मेरु प्रस्तार की चर्चा हुई थी, मेरु प्रस्तार की भी चर्चा हुई थी। ये मेरु प्रस्तार में एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये हमेशा बाइनोमियल पर यूज अधिक होता है, और पावर चाहे कुछ भी हो आप अपनी अकॉर्डिंगली कैलकुलेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये आपके साथ एक प्रश्न जो है रखा था। दूसरा प्रश्न इसमें हम ये देखेंगे, अब देखें इसकी सॉल्यूशन भी मैंने यहां आगे डाल दी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और यहां लिया जाए, देखें जैसे मान लेते हैं कि अभी एक चर्चा हुई थी, ये देखें यहां हमने 12 लिया है। अब इस 12 को थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं 98, ऐसा नंबर ले। इसको कैसे करें? इसका एक मेथड ये है कि इसको दो डिजिट 9 और 8 से हम इसको अलग अलग करें, या फिर इसका एक दूसरा तरीका है, इसका विनाकुलम कर ले। विनाकुलम आदरणीय कैलाश जी ने आप लोग को बताया है, और अब देखें ये इसका विनाकुलम। अब यहां पर जो ऑपरेशन होगा, अब यहां पर दो चीजें एक साथ आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, हालांकि उस टॉपिक को मैं आगे भी लूंगा, और लेकिन चूंकि ये अनुरूपेण में ही इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। तो यहां पर जैसे 1 और 2 का ही ऑपरेशन करेंगे, 1 और 2 बार का ही ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इस डिजिट को हम डबल डिजिट में लेके चलेंगे और फिर हमारा काम हो गया। अब आप कर सकते हैं इसको ऊपर के ऑपरेशन के हिसाब से, एक बार देखें ये आपका आता है कि नहीं, एक बार जरा प्रयास करके देखें। पहला स्टेप जो होगा वो हो जाएगा 1 का क्यूब, दूसरा स्टेप अब डायरेक्ट हम लिखते हैं 3 1 का स्क्वायर और इनटू 2 बार, और तीसरा आपका हो जाएगा 3 1 2 बार का स्क्वायर और तीसरा स्पेस आपका हो जाएगा ये 2 बार का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया कितना 3 2 जा 8 और 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये हो गया आपका 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां 2 डिजिट लेना है, तो ये आपका 2 डिजिट हो गया, इसमें 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर भी बार लगा हुआ है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें अब यहां पर 8 के ऊपर बार लगा है, तो यहां से 1 कम करना है,
यानी एक न्यूमेरल और फिर निखिलम नवतस चरमम दस्तर का यूज करना है। तो यहाँ पे 11 लगा दें, 9 और 2 हो गया, और फिर आपका यहाँ पर वापिस यहाँ से एक कम करना है और यहाँ पर करना है इसको निखिलम नवतस चरमम दस्तर, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 9। ये आपका फाइनल आंसर आपके सामने, ये चीजें जो है उसके बाद। तो ये फाइनल आंसर वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए प्लीज। आप देख लीजिए इसको, ये 98 का स्क्वायर, 98 का क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर नहीं निकाला हूं मैं, ये क्यूब निकाला हूं। हाँ ये क्यूब निकला है आपका, और ये ओरल भी हो सकता है। वैदिक गणित की खासियत है कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ओरल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आंसर अगर ओरल आ जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो हमें प्रयास ऐसा ही करना है कि ज्यादा से ज्यादा ओरल आंसर आ सके। आगे बढ़ाओ, वो थोड़ा सा इस पर लिखने में राइटिंग मेरी खराब हो रही है, बाकी ऐसी कोई वो नहीं है। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा बता दीजिए, लास्ट डबल 192 कैसे आया? 192 कैसे आया? हाँ जी, अब मैंने आपको यहाँ बताया कि निखिलम में 98 जो होता है वो आधार 100 के पास में, ठीक है? हाँ जी। तो 100 में क्या होता है, हम दो डिजिट को हर स्टेप में लेते हैं, तो दो डिजिट यहाँ ध्यान रखें। ऑपरेशन हम सिर्फ 1 और 2 का ही करेंगे, 0 का ऑपरेशन नहीं करेंगे, 0 हमेशा हिडन रखेंगे, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लगा देंगे। जैसा कि आप देखें 1 का क्यूब, इसमें 1 और 2 को हमने लिया, इसमें हम 0 को नहीं लिए हैं। अब देखें यहाँ 3 1 का स्क्वायर और 2 बार ऐसा, यानी फिर अगला स्टेप जो हमारा हुआ 3 1 और 2 बार का स्क्वायर, ठीक है? और फोर्थ जो हमारा हुआ वो हुआ 2 बार का क्यूब। अब माइनस 2 का क्यूब तो आपको पता है माइनस 8 होता है। अब लेकिन यहाँ एक डिजिट आया 8, लेकिन हमें ये 100 के नजदीक है तो हमें दो डिजिट रखना है हमेशा, तो दो डिजिट के लिए हमने क्या किया, 0 लगा दिया। अब यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 × 3 = 12 आ गया। अब इस 12 को दो डिजिट यहाँ आ गया, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कुछ भी लगाने की भी जरूरत नहीं। आगे चले, माइनस 2 × 1 = 2 और 3 = 6, तो ये आपका आ गया 6 के ऊपर बार हो गया। यस सर, ठीक है। और यहाँ 1 का क्यूब 1 आ गया। अब यहाँ देखें जब माइनस 8 है तो इससे पहले वाले खंड से इसका फॉर्मूला होता है, विनय कुलम को सर ने जो बताया है वो सबसे आसान मेथड बताया है, और बहुत कम समय में चूंकि कराना था उनको इसलिए सारी प्रक्रिया आपको नहीं बताई है उन्होंने, लेकिन फिर भी उतने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो आप देखें इसके लिए क्या करना होता है कि जो डिजिट नेगेटिव होता है उससे एक पहले वाले डिजिट में से 1 माइनस करते हैं। ये होता है एक न्यूनेन पूर्वेन सूत्र के आधार पर, यानी उसके पहले की संख्या से एक कम करना है। आप देखें यहाँ आंसर में 11 आ गया, ठीक है, 12 से एक कम किया 2 से तो 1 आ गया। अब जब एक न्यूनेन किया तो जो नेगेटिव नंबर है इसमें हम जो सूत्र लगाते हैं वैदिक गणित का वो लगाते हैं निखिलम नावतस चरमम दस्तर, यानी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट में 8 है तो इसको 10 से माइनस किया 2 आ गया। अब ये 9 में से 0 माइनस किया तो 9 आ गया, 1 ऑलरेडी है और ये भी 1 ऑलरेडी है। अब यहां आ जाते हैं
जीरो सिक्स के ऊपर सेम प्रक्रिया वन माइनस करिए तो ये हो गया आपका जीरो। अब निखिलम नवतश चरबम दस्त यानी ऑल फ्रॉम नाइन लास्ट फ्रॉम टेन, जीरो को नाइन में से माइनस करिए नाइन आ गया, टेन में से सिक्स माइनस करिए फोर आ गया। अब कोई प्रॉब्लम आप लोग को समझ में? नो सर थैंक यू। अब इसी प्रक्रिया को ये आंसर के तौर पे मैंने लिखा है और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इस प्रक्रिया को मैं जो पहला प्रश्न था वो क्या क्या प्रक्रिया हमने किया था इस प्रक्रिया को आपके सामने लिख दिया है तो उस प्रक्रिया को एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पढ़ लें। बाएं से प्रथम खंड एक का घन वन का क्यूब और ऐसे ही दूसरे खंड में दहाई अंक इकाई अंक इस तरह से जो जो प्रक्रिया मैंने ऊपर की है इसको एज ए लैंग्वेज ये लिखा हुआ है। और दोनों सर आप इसे शेयर कर देंगे क्या मीटिंग चैट में? मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा आप चिंता ना ग्रुप में शेयर। थैंक यू सर। ओके ठीक है। अब एक 63 है इसको आप लोग निकाल के देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा डिजिट आप लोगों के लिए दिया है और आंसर आप लोग बताएंगे। 63 का क्यूब निकालना है यहाँ पर आंसर भी है यहाँ पर लेकिन अभी आंसर आपको मैं दिखा नहीं रहा हूं ये आप क्योंकि मैंने इसको सेटिंग ही इस ढंग से किया है ताकि आपको आंसर एक स्लाइड में ना दिखे और थोड़ा रफ वर्क मैं इस बीच में कर लिया करूं तो इसका आंसर आप लोग देंगे। सर 250047। ओके ये आंसर भी आप लोगों के सामने है एक बार चेक कर लें जिनका सही आया है बहुत अच्छा और अगर सही नहीं आया है तो भी चिंता करने की बात नहीं है हम लोग आगे इस पर काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये एक्सरसाइज आप लोग को दिया जाएगा वो कोई बात नहीं है वो ये एक्सरसाइज सर देंगे। अब हम आते हैं इसकी दूसरी विधि के ऊपर क्यूब निकालने की दूसरी विधि। इसमें निखिलम विधि का प्रयोग करते हैं। निखिलम विधि में दो अंक या चार अंक तक भी हम जा सकते हैं अकॉर्डिंगली। निखिलम विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह आधार के आसपास के नंबरों का ही प्रयोग करता है अपने आप से। एडिशन करे सब्ट्रैक्शन करे मल्टीप्लीकेशन करे या डिवीजन करे जहां भी निखिलम शब्द का प्रयोग होता है वो हम आधार के आसपास के ही संख्या का यूटिलाइज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। आधार से अभिप्राय है 10^n। 10^n अगर 1 है पावर तो 10 के आसपास की संख्या, पावर 2 है तो 100 के आसपास की संख्या, पावर 3 है तो 1000 के आसपास की संख्या की हो कैलकुलेशन करते हैं। एक और बात आपने पूछा था अभी यहां पर एक चर्चा हुई थी आप देखें तो आप लोगों ने चर्चा किया था कि यहां दो डिजिट हमने क्यों लिया है तो 10^n n की वैल्यू जो भी होती है हर खंड में उतने ही डिजिट लेते हैं। अगर 10 पे पावर 1 हो तो हर खंड में एक डिजिट लेनी है, 10 पे पावर 2 हो तो हर खंड में दो डिजिट लेनी है, 10 पे पावर 3 हो तो हर खंड में तीन डिजिट लेनी है। यानी इन दिस वे जितने भी 10 पे पावर हैं हम
हर खंड में उतने ही डिजिट रखेंगे, मतलब ये ऐसा जो है सो आप लोगों के सामने है। अब तो निखिलम की हम चर्चा कर रहे थे, यानी प्रत्येक खंड में अंकों की संख्या यानी 10^n पर निर्भर करती है। n के मान के बराबर अंकों की संख्या प्रत्येक खंड में रखी जाती है। मैंने पूरी बात जो है इसमें टाइप कर दिया है। अच्छा, अब आते हैं, ये निखिलम विधि को विचलन विधि भी कहते हैं। ब्रह्मगुप्त ने विचलन विधि पर बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम विचलन की बात करें तो विचलन आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, विचलन दोनों तरफ होता है। तो जब संख्या से आगे की तरफ जाता है, आधार से आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड होता है डेविएशन, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, यानी धनात्मक विचलन कहते हैं। जिसमें 12 है तो प्लस 2, 102 है तो प्लस 02, 1004 है तो प्लस 004, इस तरह का जो है विचलन होता है। और दूसरा, अगर आधार से कोई छोटी संख्या हो तो हम उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं। जैसे 8 का माइनस 2 हो गया, 98 का माइनस 02 हो गया, और 996 है तो माइनस 004 हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम विचलन को समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। और वही नेगेटिव डेविएशन जो आपको मैंने समझाया ऊपर कि विनाकुलम बन जाता है, विनाकुलम करवाया था, सेम वही चीज जो है यहाँ पर आगे होगा। अब ये निखिलम विधि में प्रत्यक्ष रूप से याव दूनम ताव दूनी कृत वर्ग च योजयेत, इस वैदिक गणित के उपसूत्र का प्रयोग होता है। ध्यान दे, ये सूत्र नहीं है, उपसूत्र है। तो याव दूनम ताव दूनी कृत वर्ग च योजयेत, लेसन बाय द डिफिशियंसी एंड एड इट्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसके मतलब को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब इस विधि में होता क्या है, तो आप देखें कि जैसे 102 है, आधार के पास की एक संख्या लिया, ऊपर 12 लिया था, नीचे उसमें एक जीरो लगा दिया, यानी 102 ले लिया। तो सबसे पहले आधार संख्या लेते हैं और प्लस 3 इंटू डेविएशन, जो भी डेविएशन होता है वो करते हैं, फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर और डेविएशन का क्यूब। और चूंकि ये डेविएशन मेथड है तो हर खंड में दो दो डिजिट का प्रयोग होगा, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया है। और निखिलम विधि में जैसे अनुरूपेण विधि में 4 खंड ले रहे थे, यहां पर मात्र 3 खंड ही होगा, जैसा देखें 3 खंड में ही प्रयोग होगा, चौथा खंड इसमें कट गया। अब चौथा खंड क्यों कट गया, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है पूरे आधार को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें 2-3 डिजिट पहले से ही ऑलरेडी होते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी के डिजिट्स में भी 2-2 डिजिट हम ले लेते हैं, तो ऑलरेडी ये उसको अपना फुलफिल कर लेता है। अब देखें 103 का हमें क्यूब निकालना है, तो 103 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले इसका आधार क्या है, तो आधार है 100, देखें, प्लस 3 इंटू डेविएशन कितना है 02, ठीक है, ये पहला खंड आपका कंप्लीट हो। दूसरा खंड है P इंटू डेविएशन है 02 का स्क्वायर, और तीसरा खंड है डेविएशन का 02 का। सर 03 है ना?
सर इसमें डेविएशन तो थ्री आएगा ना सर, ये वन जीरो नहीं थ्री का ले रहे हैं बट ये टू के हिसाब से लग रहा है मुझे तो। आप सॉल्व तो करें सर, आप चाहे 102 एक्चुअली हम कर रहे हैं, नीचे बाइट के हिसाब से 103 लिखा गया सर। सॉरी ओके इसको टू कर देता हूँ, फाइ कर लीजिए जी। एक वो 102 ही है, मैं देख ऊपर रहा था और ऊपर क्वेश्चन में टू ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है। इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो गया कितना 326, तो ये हो गया 106। अब आगे 12, 2 2 4 3 12, दो दो डिजिट ही है और ये 08। आप आंसर चेक कर सकते हैं, कहीं नहीं है प्रेजुमेंट। एक बोल मत। अब यहां पर एक और बात आती है सामने कि अगर ध्यान दे जैसे 98 हो का क्यूब हो तब भी हम इसी मेथड को और इसी कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं। देखे 102 बार और तीन खंड में, ऊपर हमने समझाया था चार खंडों में सॉल्यूशन 102 का, यहां पर तीन खंड में भी सॉल्यूशन को समझेंगे। 100 + 3 × 02 बार पहला खंड, दूसरा हो जाएगा 3 × 02 का स्क्वायर और तीसरा खंड हो जाएगा 02 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखे ये क्या है, 6 3 2 6 और 100 में से 6 माइनस करिए 94 आ गया, ये पहला खंड हो गया। उसके बाद 2 2 4 यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 3 12 हो गया, ये दूसरा खंड हो गया और यहां पर 2 का क्यूब तो 08 हो गया। देख ले अब आप नेगेटिव आएगा लेकिन ये ना, ये नेगेटिव आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सिर्फ एक काम आपको करना होगा कि 12 में से 2 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 94 तो इधर एज इट इज रहेगा, 12 में से 1 कम होगा तो 11 हो गया और इधर निखिलम नवतश चरमम दस्त सूत्र का प्रयोग, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, 9 और 2, ये आपके पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें या प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, ऐसे इसके हम जो आपको देने वाले हैं वो थोड़ा इससे भी बड़ा डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका निखिलम मेथड से। अब आप देखें कि दो डिजिट को हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें हम तीन डिजिट भी ले जा सकते हैं, चार डिजिट भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंगली, जितनी 9 की संख्या है वो बढ़ा दीजिए और विचलन की कैलकुलेशन जहां तक आपको आसान हो वहां तक इसको ले जा सकते हैं, यानी विचलन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो आराम से हम कर सकते हैं, तो 11 12 तक हम ले जा सकते हैं तो बहुत आराम से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो काफी सारे नंबर्स हमारे पास इसके इकट्ठा हो जाएंगे अगर आप इसको देखें तो, ठीक है। अब इसके जो ऊपर जो प्रश्न था उसका आंसर ये रहा आपके सामने 106 1208, और तीन खंड में ही ये प्रश्न सॉल्व हुआ है अनुरूपेण, यानी एक प्रश्न को 102 को हम चार खंड में भी सॉल्व किए हैं और तीन खंड में भी सॉल्व किए हैं। तो और ये आपको देखना है
कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कौन सा प्रोसेस ऑप्ट करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो तीन खंड वाले निखिलम विधि भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ये आंसर आपको देना है। 998 9998, इसका आंसर आपको करना है। और ये निखिलम विधि से, तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे और चार डिजिट को हर स्पेस में हम रखेंगे। सर 999401200008। बहुत अच्छा, चलिए इसको, इसका आंसर ही आपके सामने रख देता हूं। जिन्होंने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है, और जो अभी कर रहे हैं सॉल्व, यानी हमें क्या ध्यान देना है कि ऊपर के क्वेश्चन में ही इसी प्रश्न में हम चार चार डिजिट हर जगह लगा लें तो चार स्पेस को हम फॉलो कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये निखिलम मेथड से करना है, तीन ही स्टेप लेने तो वो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये अभ्यास के लिए हमने ये किया है। अब जो तीसरी विधि हमने दिया है, तीसरी विधि दिया है कि आधार की बात हो गई, अब थोड़ी सी उपाधार की बात करते हैं। और उपाधार में यानी a into 10 to the power n, a into 10 to the power 1 की बात होगी। यानी a जो होगा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ये उपाधार की बात होगी। यानी 200, 300, 400 इस तरह से चीजों को जो है सो हम रख सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि जब हम यहां पर प्रत्यक्ष रूप से अनुरूपेण और यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योजे, इन दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग होता है। इसमें सबसे पहले आधार उपाधार में आधार से हम भाग करते हैं और रेशियो पता करते हैं। रेशियो सबसे पहले रेशियो पता किया जाता है, और इस विधि में भी तीन खंड होते हैं। दाएं से अगर देखा जाए तो प्रत्येक खंड में अंकों की संख्या वो आधार पर निर्भर करती है। यानी 10 पे पावर जितना n होगा उतनी ही संख्या प्रत्येक खंड में रखी जा सकती। तो ये आपका जो पूरा का पूरा मतलब मेथडोलॉजी है वो हो गया। अब प्रक्रिया क्या होगी, कोई भी संख्या लीजिए तो सबसे पहला काम तो उसका ये करना है कि हमें इसका अनुपात निकालना, रेशियो। तो आपका रेशियो जो होगा वो हो जाएगा, उपाधार क्या है, 200/100, आधार से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2। अब उसके बाद संख्या को हम यूज करें। सबसे पहली संख्या है आपके पास कितना, 203। इसमें रेशियो आ गया आपका, देखे अनुपात कितना है, रेशियो 2 है, तो 2 का स्क्वायर
और टू का स्क्वायर और उसके बाद है उपाधान ये हो गया 200 और प्लस 3 into 3 डेविएशन कितना है 3 into 3 0 3 ठीक है अच्छा। दूसरा पार्ट हो गया रेशियो यानी 2 into 3 into डेविएशन का स्क्वायर और इसका तीसरा पार्ट जो आपका हो जाएगा वो डेविएशन 0.3 का क्यूब। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते करिए कैलकुलेट कितना आ गया 836 ये हो गया 3 2 6 6 200 3 3 9 और 4 हो जाएगा 836 और दूसरा क्या हो गया आपका 54 3 3 9 9 3 27 27 2 54 और तीसरा हो गया ये 27 अब चूंकि n पे पावर 2 है हर डिजिट में 2 का जो है सो यूज होगा इसको 5 है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और ये 8 3 6 5 4 2 7 ये जो है इसमें आपका आंसर आ गया कोई प्रॉब्लम इसमें रेशियो के साथ कैलकुलेशन है ये और आधार की बात हुई थी उपाधार अब इसमें हमारे रास्ते खुल गए 23 33 43 22 यानी बाकी सारे नंबर को हम इसमें इंक्लूड कर ले सकते हैं लगभग काफी सारे नंबर्स जो है अब हमारे आसपास आ गए और इसको हम कैलकुलेट कर सकते तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है तो अभी अनुरूपेण और निखिलम विधि के आते ही लगभग काफी हद तक चीजें जो है तो साफ हो गई है और ज्यादातर नंबर्स के क्यूब जो है तो हम कर पा रहे हैं अब इसका आंसर देखेंगे आंसर हमने वो तैयार कर दिया था उसके बाद अब ये एक्सरसाइज है वो आपको मिलेगा आगे हम लोग चलते हैं अगली विधि जो है वो एकाधिकेन पूर्वेन इस विधि में भी हम 2 digit number का क्यूब करते हैं और इसमें भी दाएं से अगर देखा जाए तो यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 100 और रेस्ट ऑफ द डिजिट के लिए एक अलग बनाए प्रथम से इस विधि में एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का ही प्रयोग होता है ठीक है अब क्यूब निकालने के लिए जो चारों जो हमारे पास सेक्शंस हैं उसमें क्या होगा वो देखें और ये कंडीशन है कंडीशंस यहाँ ये है कि लास्ट डिजिट 5 हो पहला पहले एग्जांपल में आपका लास्ट डिजिट 5 है तो इसके लिए बात करेंगे और जब दोबारा जब इसको अगले क्वेश्चन में रेस्ट ऑफ द डिजिट के लिए भी चर्चा करें तो इसमें देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है A5 यानी 25 है तो मान लीजिए 2 के जगह 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है तो ये 3 डिजिट में चला जाए अब ए है और दूसरा जो वंस प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 5 होगा तो हमारा क्या सिचुएशन होगा वो देखें तो
तो पहले फर्स्ट में हम जो है वो ए का स्क्वायर करते हैं और उसका एक आगे यानी एकाधिकेन करते हैं, उससे गुना करते हैं। उसके बाद जो टेंथ प्लेस का डिजिट है वो उसका एकाधिकेन और यूनिट प्लेस के डिजिट तीनों को एक साथ, फिर उसके बाद टेंथ प्लेस का डिजिट अकेला लेते हैं और यूनिट प्लेस का डिजिट का स्क्वायर लेते हैं और फिर यूनिट प्लेस के डिजिट का क्यूब लेते हैं। यही जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसी के ऊपर हमें काम करना है और यहां आपके सामने मैंने उसको मेंशन कर दिया है। देखें तो सबसे पहला मान लेते हैं कि यहां हमने लिया 25 का क्यूब करना है तो सबसे पहला क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 2 प्लस 1 तो ये हो गया 3, 2 प्लस 1 ऊपर से समझेंगे। उसके बाद है 2 इंटू 2 प्लस 1 3 और इंटू यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो हो गया 5। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर और फिफ्थ जो फोर्थ हमारा सेक्शन है वो हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, अब इसको जब चार खंड है तो चार खंड में हम एक एक प्लेस ही लेंगे जैसा कि हम देख रहे हैं। अब यहां है, अब इसको करें 2 2 जा 4 3 जा 12 एक खंड, उसके बाद हो गया 2 3 2 3 जा 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 2 जा 50 और ये हो जाएगा 1 5। ये अब इसका आंसर लिखे, ये लीजिए और ये इधर कैरी ओवर चला जाएगा तो ये हो गया 5, ये आ गया तो हो गया 62, तो 2 आ गया, 6 इधर आ गया तो 3 इधर हो गया, इधर चला जाएगा 15625। ये आपका आंसर आ गया चार खंड में। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों के पास? यस सर। सर इसमें पार्टीशंस कैसे डिसाइड होंगे, नंबर ऑफ पार्टीशंस, या इसमें 4 ही रहेंगे हमेशा? सॉरी वो थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गया था। इसमें पार्टीशंस 4 ही रहेंगे हमेशा? हाँ, इसमें पार्टीशंस 4 रहेंगे। हम 3 वाले पार्टीशन की भी चर्चा किए हैं, जहां पर 3 वाले पार्टीशन होंगे वहां क्या होगा कि आधार को भी हम यूज कर लेते हैं एक पार्टीशन में और हर डिजिट पे फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि वो जो है अपने अलग अलग आधार के हिसाब से ऑप्ट करे। जो 4 सेक्शन करते हैं तो हर ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हर सेक्शन में एक ही डिजिट रहे, तो ये भी है। और ऐसा नहीं है कि हम जो है तो सिर्फ इसी पर काम करते हैं, हम और भी जो है इसमें बढ़ा घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो आपको प्रेजेंट सिचुएशन क्या आता है आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ 2 2 5 का कर रहे हैं, बाई चांस यहाँ 2 0 5 का करते तो क्या होता, आप इस पर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 2 0 5 का यहाँ क्यूब करते हैं तो क्या होता, तब तो आपको 2 डिजिट लेने होते क्योंकि यहाँ आधार पर आप यूज करेंगे 2 और 5 का, लेकिन ये ऐसे ही यूज होगा तो आप करके देख सकते हैं वो। अब हम 25 की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा हमारे पास समय कम है,
और काम थोड़ा और ज्यादा है, तो आप चिंता न करें अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो। ये आपका इसका आंसर है 25 का अकॉर्डिंग टू रूल। एक मेथड और चर्चा करनी है इसमें। अब आगे जो क्या था स्थिति वो आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि अभी तो हमने देखा कि 5 लास्ट में होने चाहिए, A5 यानी A की जगह है, कोई भी नंबर हो सकता है, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तो उसको हम कैसे करें। लेकिन अगर 5 के अलावा अगर कोई दूसरा डिजिट हो, यानी यहां पर 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट हो, तब क्या हम करेंगे, तो उसके लिए भी हम चर्चा करें। तो ऐसे में यहां भी हम 4 खंड की ही चर्चा करेंगे। पहले खंड में जो 10th प्लेस का नंबर है उसका स्क्वायर, और जो 10th प्लेस से 1 ज्यादा, पहले खंड में यही होगा। दूसरे खंड में 10th प्लेस का स्क्वायर और डेविएशन। अब ये डेविएशन एक बहुत बड़ी चीज है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बस यही एक आपको चेंज करना है डेविएशन, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तीसरे सेक्शन में 10th प्लेस का डिजिट और 3 × यूनिट प्लेस का स्क्वायर, और 4th में जो है सो यूनिट प्लेस के जो होते हैं वो क्यूब, ऐसा हमें करना है। डेविएशन के लिए हम 3 × यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से माइनस कर, उसमें से 10 माइनस कर दे। ध्यान दीजिए यहां जो डेविएशन होगा, डेविएशन निकालने के लिए इस सिचुएशन में 3 × यूनिट प्लेस पर जो नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करके 10 माइनस कर दे। अब यहां देखें आपके सामने है 10th प्लेस पर जो नंबर है उसका डेविएशन कैसे निकला है, आप ध्यान दें। तो उस हिसाब से हम यहां चर्चा कर सकते हैं। अब देखें यानी 10th प्लेस पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 − 10 डेविएशन आपका 2 आ गया। अब इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है आपको निकालना है 24 का क्यूब इक्वल टू क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 + 1, एक पहला खंड हो गया। दूसरा खंड क्या था, दूसरा खंड था ये 10th प्लेस का स्क्वायर इंटू डेविएशन, 10th प्लेस का स्क्वायर, फिर 10th प्लेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू डेविएशन, फिर 2 आ गए। और तीसरा खंड है आपका 10th प्लेस इंटू 3 इंटू 10th प्लेस 2 इंटू 3 और इंटू यूनिट प्लेस पर 4 है तो इसका स्क्वायर, और चौथा खंड है 4 का क्यूब। तो इस तरह से आपके जो है इसको आप सॉल्व करेंगे और हर स्पेस में एक एक डिजिट ही लेंगे। तो इस तरह से आपके यहां आ गया 12, ये हो गया 8, 3 × 24 = 42, 48, ये हो गया 2 × 4 = 8, ये हो गया 2 × 4 = 12। इस तरह करके 12, 8, ये 96 था, फिर ये सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेट हो करके, ये आपको आंसर देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट हो गए। इस माध्यम से आप देखें हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट
हर रूप में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो यहां देखें, हमने दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, सब चीज की चर्चा पांच डिजिट तक भी गए हैं, और अकॉर्डिंगली हम इसको ले जा सकते हैं। जहां तक हम थोड़ा कैलकुलेशन ओरली कर पाए उसको सॉल्व कर सकते। अब आप लोग कोई प्रश्न हो इस पूरे उसे तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने थ्री डिजिट में लिया तो मतलब 20 समथिंग, यू नो बीच में जीरो, मान लो सपोजिंग तीनों बीच में जीरो नहीं है, प्रॉपरली तीन डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो क्यूब कैसे निकलेगा? देखिए एक तो तरीका है कि किसी एक को हम दो डिजिट कर लेते हैं। अभी जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया था ये सब बाइनोमियल बेस्ड है, ये बाइनोमियल बेस्ड है, इसकी बातें हमने की थी अभी तक जितनी भी चर्चा किए हैं, ये सब के सब बाइनोमियल बेस्ड है। ट्रिनोमियल भी होता है और ट्रिनोमियल में भी इसका फंक्शन होता है, इसमें हम उसके लिए भी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी चर्चा करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सब टॉपिक पर काम हुआ है और सबको हम कंप्लीट कर सकते हैं, और हर जगह बेसिकली ऊर्ध त्रिभ्याम सूत्र ही उसके बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तो मेन यही है, हम सबकी यूज कर सकते हैं और उसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, ऊर्ध त्रिभ्याम सूत्र से सबको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है आज की चर्चा जो है, आप देखें कहने को तो हम चार डिजिट, पांच डिजिट तक भी, छह डिजिट तक भी ले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे बाइनोमियल बेस्ड है, दो डिजिट बेस्ड ही है पूरे के पूरे क्वेश्चन। सर ये भी अलजेब्रा पे अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है। आप कोई भी क्यूब को आप डाल दे और वो वहां पर यूज होगा। आप 12 है, 12 को डाल दे, 12 क्या है, ये 12 है आपका 10 प्लस 2 है, x को 10 को x मान ले तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का क्यूब आप इस पे डाल दे, सीधा सीधा आ जाएगा ये x माइनस 2 का क्यूब, ये सीधा ये आपके सारे के सारे जो है आ गए हैं, ऊपर के इंडिसेस आ गए हैं, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, इस तरह से करके आते चले जाएंगे x प्लस 2 के। एक सर ने बताया था कि जब हम एलजेब्रा वाला करते हैं तो वो जो हमारा कैरी ओवर होता है वो नहीं होता, तो वो इसमें भी फॉलो होगा? वो तो यही बात है ना, सबसे अलजेब्रा में जो है सारे टर्म स्पेसिफिक होते हैं, तो सब टर्म जब स्पेसिफिक होते हैं वहां पार्टिकुलरली हम जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिख सकते हैं, 12x लिखने की छूट होती है, लेकिन अर्थमेटिक में वो 12 जो है कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे चला जाता है, तो वहां पर हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, 1 ये 2 है, सॉरी ये जैसे मान लीजिए ये 8 आ गया, 8 और 4 12 आ गया, और ये 4 और 2 6 ही यहां रहेगा, यहां 1 हो जाए, तो इस तरह से करके यही आपका क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा एक्स, और ये 8 हो जाएगा, ऐसा ही सीधा आंसर हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पर आप सीधा आप डाल दीजिए एक्स, सॉरी एक मिनट, एक्स क्यूब और ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां 6 होना चाहिए, ध्यान रखिए अलजेब्रा में जब लेंगे तो यहां हो जाएगा 12x और प्लस 8, ये आपका बन गया, सॉरी इसको आप थोड़ा फ्रेश देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8, ये आपका बन के तैयार हो गया अलजेब्रा। तो ये तो नंबर सिस्टम को आप अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लीजिए। बेसिकली क्या है कि जो भी चीज आप अर्थमेटिक में सॉल्व करते हैं वो ऑटोमेटिकली जब
10 पे पावर आप जो है 1 लगाया, 10 के जगह x ले लीजिए, बड़ी से बड़े नंबर भी अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं और उसके कैरी ओवर को आपको जो है पास आउट नहीं करना है, सिंपली छोड़ देना है और उसको कैलकुलेट, नेगेटिव में आया तो नेगेटिव लिख दीजिए, जैसे विनाकुलम आया था उसको चेंज करना था तो वो विनाकुलम को चेंज नहीं करेंगे, सीधा हम नेगेटिव में उसको आंसर लिख देंगे, तो अलजेब्रा में ये जो है अप्लाई सीधा सीधा हो जाता है, तो अलजेब्रा तो और भी ज्यादा आसान है, थोड़ा बहुत अर्थमेटिक ही परेशान करता है, बाकी अलजेब्रा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, वो तो सीधा सीधा आंसर देता है। और बताए, अभी शेयर को बंद करूं मैं या आप लोगों के कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है? बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा लग रहा है उसी के आगे। देखिए एक्चुअल क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इज आल्सो बेस्ड ऑन उर्ध्व त्रिभुज सूत्र। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो वहां भी उर्ध्व त्रिभुज सूत्र ही काम कर रहा है। मेरु प्रस्तार जो हम पढ़ते हैं, मेरु प्रस्तार भी पूरा का पूरा उर्ध्व त्रिभुज सूत्र पर ही आधारित है। चलिए अब हम आ जाते हैं फ्रंट पर, शेयर को बंद कर देते हैं। अब बताएं और कुछ प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ठाकुर साहब। हाँ बताइए सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, थैंक यू। और सुजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। प्रीति कोई और? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका व्याख्यान बहुत ही मूल्यवान था। आशा करती हूँ सभी सहभागी आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत धन्यवाद सर। सभी सहभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है तकनीकी स्तर को समाप्त करने का। अब हम कल 2 बजे 2 विषय राष्ट्रीय कक्षा के 5वें तकनीकी स्तर के लिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेरी नाइस।